बिजनौर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अब दिन के उजाले में भी लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, बदमाशों ने मुर्गा व्यापारी के घर को निशाना बनाया और लाखों की नकदी सहित कीमती जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। यह है बिजनौर के नजीबाबाद इलाके का मकबरा इलाका। यहां पर एहसान मुर्गा व्यापारी के घर में अचानक बदमाश घुस गए। उसके बाद सभी परिवार वालों को गन पॉइंट पर लेकर बदमाशों ने लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाशों का जैसे ही परिवार वालों ने विरोध किया तो उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया और सेफ अलमारी में रखे 10 लाख कैश और कीमती जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। लेकिन सभी बदमाशों की ये करतूत मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बहरहाल इस घटना के बाद सवाल ये उठता है कि क्या बदमाशों के दिलो दिमाग से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या पुलिस बदमाशों के आगे बोनी साबित हो रही है? बिजनौर से शौकीन की रिपोर्ट। सर मेरे तो घबराहट में गिनती भी नहीं हुई, बच्चे 4 या 5 थे सर। कैसे थे, देखने में कैसे लग रहे थे? काले थे सर, नौजवान थे सर, एक लंबा था, उसने ढाटा नहीं बांध रखा था। जब मुझे पकड़ा उसने आके, और फिर उसके पीछे से सबके सब आ गए, सबने सबको घेर लिया, हमारे बच्चों को, और हमें यहाँ बंद कर दिया, इस बेड पे बिठा दिया सबको, और छुरी लगा दी, तमंचे लगा दिए हमारे गर्दनों पे, बच्चे की, हमारे यहीं गिरे, तेरा लोंडा अभी इसकी गर्दन काट देंगे सर। तो आपको लगभग कितने की डकैती है ये आपकी? लगभग 50 की होगी, मतलब 15-16 सुनाई सर, 15-20 तो ले, 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए कैसे? 15 नहीं ज्यादा है, इसमें तो बिना गिनती के रखे थे। लगभग कितनी मान के चल रहे हो आप? लगभग 10 लाख रखी थी सर, और वो आ जाते 10 मिनट बाद आते, तो सब ले जाते, देते ना कुछ नहीं मिलता, जेवर मिलता बस। आपके व्यापारी की पेमेंट रखी हुई थी वो सारे ले गए? सब ले गए, तो देने जा रहा था, फोन आ रहा, यही रखी थी वो, और एकदम सीधा फोन ले गया। आपको किसी पर शक है? ना, हमें तो किसी पर शक नहीं, कोई जान पहचान का कोई घर में एंट्री नहीं किसी की सर, हम नहीं जानते। अगर काले काले थे, दिन तो ठीक नहीं थे, एक लंबा था। नजीबाबाद से मैं अपने कमरे से निकल रहा था, तो अचानक से एक गन लेकर आया, माउजर थी उसके हाथ में, रूम के बाहर ही उसने मतलब गन रख दिया, और एक और आया पीछे से, उसने तमंचा रख दिया और अम्मी के ऊपर भी रख दिया, 4-2 नीचे खड़े थे, एक और आया, फिर बाद में 3 थे, फिर 2 नीचे थे, 5 थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे, और उन्होंने हमारे हाथ पैर बांधे, बांधने के बाद सब लूट के ले गए। क्या क्या लूटा? सब सोना जो था, जेब वगैरह सब ले गए, सब जो पहन रखा था सब ले गए, कैश वगैरह सब रखा था, मैं पेमेंट लेने जा रहा था, बैग में रखी थी और बिना सेफ के रखी थी वो। कितने कैश हो गए? 7.5 लाख रुपए दे गए बैग में, अब शेफ में अलग रखे थे, कैश सोना अलग रखा था, सब ले गए। कैसे लड़के थे? सब यंग थे, 20 से 25 की उम्र के थे सब, जो ढाटा मान रखा था वे कैसे थे? सब यंग थे, 20 से 25 की उम्र थे सब। अब फिर आपके ऐसा छुटे कैसे? बाबे चले गए, अम्मी को उन्होंने बाथरूम में बांध दिया, हमें रूम में बंद कर दिया, मैं बोला अगर कुछ बोला, कोई किसी ने शोर मचाया तो गोली मार देंगे, शोर कहाँ से मचाता, पूरा टेप से कर दिया था हमारा मुँह। फिर निकले कैसे आप? फिर हमने खोला उसको, थोड़ा टेप को खोला। कैसे, किसी को तोड़ा? अरे वो मुँह से खोला ना एक दूसरे के। नहीं नहीं, फिर निकले कैसे जब बाहर से बंद कर दिया? तो बाहर से बंद कर दिया, खिड़की में कूद के गए नीचे जिन्ने में, फिर खोला, फिर अम्मी कूद के नीचे जिन्ने गए आप? जी।